Hi, Monica. Hi. Now I can see. Can you hear me? Yes, I can hear you. How are you? I'm good. So, congratulations and welcome to Shriram to Filmy Beat. Firstly, people are loving your song. How was this happened with Vijay? What do you have to say for the song? Superb. I mean, it's a very good start to 2021. के लिए मेरे लिए बहुत ही सुपर्ब स्टार्ट है. आई लाइक टू से सिंगिंग इन सुपरस्टार विजय सर्स फिल्म फॉर अनिरुद्ध जी एंड द होल टीम इज यू नो इट्स अ ब्लॉकबस्टर मूवी ऑलरेडी. इट्स देयर इन हिंदी तेलुगु एंड तमिल तीन लैंग्वेज में रिलीज हो रही है फिल्म. सो मी बीइंग पार्ट ऑफ इट आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट मैं इस बड़े प्रोजेक्ट का एक भाग हूँ एंड आई हैव डन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड वो मुस्काना आंखों का which released almost yesterday. Yeah, people are loving it. And well, आगे बढ़ने से पहले अगर आप दो लाइन उस गाने के गुनगुना सके तो done sure. आपके लिए मैं गाना चाहूँगा ये गाना and whoever is watching right now, please listen and do go and listen to the full song on YouTube and other musical platforms. I'd like to sing this song for you. It was वो मुस्काना आंखों का देखूं जब जब प्यार आता दिल जब उसके पास जाता मानो सब कुछ मिल जाता. चाहिए दिल मेरा उसके ही दिल में रहना हमेशा हमेशा से मांगू यही खुदा से हर लम्हा उसी का मैं देखूं सपना 24/7 दिखा था मुझे हेवन. कहते हैं मन से सच में कसम से हम हो चुके उनके कब से हैंडसम है सबसे सब हैंडसम है सबसे प्यारा है रब से क्लास में मास्टर मास दिल पे है काबू कर दे ना जादू फेल हार्ट हो जाए पास सिंगल से दिल को अब दे दो चांस वो मुस्काना आंखों का देखूं जब जब प्यार आता दिल जब उसके पास जाता मानो सब कुछ मिल जाता. अमेजिंग एंड वेल ये तो गाना डेफिनेटली लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वी हैव सीन द व्यूज एंड द यू नो जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीराम आपको जानना चाहूंगी ये लॉकडाउन कैसे रहा आपके लिए. हाउ डू यू सी ईयर 2020 2021 कि हाउ वाज 2020 आप पूछ रहे हो 2020 लॉकडाउन और 2020 पूरा यस हम सब वी वर ऑल फाइटिंग टुगेदर वी वर फाइटिंग 2020 एंड द पेंडेमिक all the you know unexpected bad that had happened all the unexpected things that had happened we all it was a shocker for all of us but yeah I was most of the time in Hyderabad with my parents jo ki main Bombay mein rehta hu par kyunki lockdown tha and usse pehle main Hyderabad chala gaya tha so I wanted to stay with my parents and see to that everything is normal there to kafi seekhne ko bhi mila kafi खोया भी है. मतलब शोज भी बहुत कैंसिल हो गए थे और काम नहीं हो रहा था. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशली टुक द बिगेस्ट हिट अमंग ऑल द इंडस्ट्रीज क्योंकि हमारे वर्क फ्रॉम होम में तो कुछ ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना. हमको स्टेज पे जाना पड़ता है शूट पे जाना पड़ता है लाइव ऑडियंस होती है ये सब नहीं हो रहा था. सो बट थोड़े टाइम बाद फिर वर्चुअल शोज शुरू हो गए. ऑनलाइन शोज घर बैठे हम जूम पे शोज कर रहे थे या तो फिर स्टूडियो बुक करके वहाँ पे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स कर रहे थे जहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता था. जो लोग हमको देख रहे थे वो काफ़ी अपने घरों से बैठ के देख रहे थे. तो या आई मीन 2020 इज बीन लाइक अ रोलर कोस्टर राइड बट डेफिनेटली आई लाइक टू सी दैट मैं कुछ अच्छा सीखा 2020 में जिसके थ्रू मैं अभी यू नो अपने घर से रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ. कोई भी किसी को गाना गाना है अभी स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अर्लियर होता था कि आप स्टूडियो जाओ गाओ पर अभी ऐसा है कि सब चाहते हैं कि सब क्लीन रहें एंड हेल्दी रहें. तो काफ़ी लॉकडाउन के एंड में शायद मैंने ऑलरेडी ये काम करना शुरू कर दिया था. काफ़ी गाने जो अलग अलग मूवीज के गाने थे मैं अपने घर से रिकॉर्ड करके भेजता था. तो ये एक सॉफ्टवेयर या उसका जो उसकी सब्जेक्ट है वो मैंने थोड़ा सीखा घर बैठे एंड मैंने और मेरे दोस्त ने म्यूज़िक काफ़ी सारा म्यूज़िक भी बनाया था
इसके दौरान, लॉकडाउन के दौरान. सो ग्लैड दैट वो फेस अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है एंड 2021 शुरू हो चुका है एंड आई एम श्योर कि इट इज ओपन विद अ बैंग. मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए वो एक बैंग है. 2021 एक बैंग के साथ शुरू हुआ है विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो आई एम होपिंग एवरीबॉडी हैज आपके लिए 2021 बहुत ही अच्छे नोट से स्टार्ट हुआ है. सो आने वाला साल एंटायर 2021 आप कैसे देखते हो, लाइक फॉर यू प्रोफेशनली पर्सनली? वेरी पॉजिटिव, क्वाइट एक पॉजिटिव सा फील है. जैसे मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा ही होगा 2021 में. एंड डेफिनेटली जो फर्स्ट वीक में मैंने दो शोज भी करे, फिजिकल शोज यहाँ पे ट्रैवल करके किए हैं एंड एक गाना भी रिकॉर्ड किया है अभी काफ़ी. Month end also I have some work happening, so Jan is looking amazing. And jab bhi January acha hota hai to mera saal pura acha jata hai. And is baar kuch zyada hi acha shuru hai Jan. So that's what I'd like to zyada kuch bolunga nahi, but I'm just expecting that the year will be very good for me especially. Okay, so we have seen, you know, aapke itne sare gaane, aapne Salman ke liye bhi gaana gaya tha, these three, and so you have done fabulous job. So aane wale time mein kaun si movie ke saath, is there anything like association or something you would like to announce? I don't want to announce anything. Halaki gaane to main Akshay Paji ke liye bhi gaya tha, Salman, Subhanallah, Ranbir Kapoor, and so I've sung some songs jo abhi इनकी शूटिंग अभी चालू हुई है. बड़ी फिल्म है, बड़ी बड़ी फिल्म है एंड दो तीन बड़ी फिल्में हैं, बट मैं अनाउंस नहीं करना चाहूँगा. लेट्स सी, जैसे गाना रिलीज हो जाएगा तो आप, मैं वापस आपसे अच्छा तो कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है या फिर ऐसा कोई ड्रीम एक्टर जिसके लिए यू वुड लव टू यू नो गिव योर वॉइस, और लाइक आपको ऐसा था कि यार ये कभी मेरा गाना मैं इनके साथ करूँ या फिर समथिंग लाइक दैट? मुझे बच्चन साहब के लिए गाना है यार. मैं सोच रहा था बच्चन साहब के लिए एक बार मैं प्लेबैक कर सकता हूँ, कैसे लगेगा वो स्क्रीन पे जब वो एक्ट कर रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ कैसा लगेगा. तो ये एक अम्यूजमेंट है मेरा कि बच्चन साहब के लिए गाना गाऊंगा मैं कभी तो कभी. Okay, all right. And since you have started your journey with reality show Indian Idol, जहाँ पे आप जीते थे, विनर थे, and वहाँ से अगर मैं आपको पूछूँ अभी, when you turn back and look your entire journey, like what you like, how you will describe your journey? इट्स नाइस. आई मीन अभी ये होता है ना कि मैं हमेशा देखता था कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो एक अच्छा सा जर्नी, अच्छी सी जर्नी होनी चाहिए जहाँ पे माइल स्टोन्स हैं. यू नो आप फ़ख्र से कह पाओ कि अरे चलो पिछले 10 साल हमने कुछ अच्छा किया है लाइफ में. तो मेरा ये होता है हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखो तो अच्छा, आपको अपने आप को अच्छा लगना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया अलग, और किसी का मुझे फल मिला या मेहनत किया तो उसका फल मिला. तो ये ऐसे अगर मैं 10 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इंडियन आइडल के बाद इट्स आई एम ग्लैड दैट मेरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी एंड बॉलीवुड के साथ साथ मैंने 9 अलग लैंग्वेजेस में, 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने 500 के ऊपर गाने गाए, जिनमें से काफ़ी पॉपुलर गाने हैं जैसे बॉलीवुड में भी है, वैसे तेलुगु में, तमिल में. तो आई फील गुड अबाउट इट कि ये 500 गाने मैंने गाए पिछले 10 साल में अलग अलग लैंग्वेजेस में, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है. तो मैं यही कोशिश करूँगा कि अगले 5-10 सालों में वो 5,000 हो जाए, 50,000 हो जाए ज़्यादा बढ़े गाना से मुड़ के देखो तो फिर अच्छे अचीवमेंट्स हों मेरे. तो या राइट. एंड तब के रियलिटी शो में, वेल और अब के रियलिटी शो में काफी डिफरेंस है. तभी सोशल मीडिया नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, इतनी फैन फॉलोइंग तब नहीं इतनी जल्दी मिल जाती थी. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, इज इट बून और कर्स, व्हाट डू यू फील? इट्स अ आई डोंट नो इफ इट इज अ कर्स और अ बून, बट एक चीज बोल सकता हूँ कि शायद जो अभी जिसका नाम होगा उसका, जैसे मेरे टाइम पे ना 2010 में जैसे किसी का नाम होता था तो वो नाम जब तक 2-3 साल तक वो नाम ऐसे घूमता था, यू नो कि सो एंड सो, ओनली इंडियन आइडल विनर की बात कर रहा हूँ या कोई भी रियलिटी शो का विनर हो, तो उस टाइम पे बोलते थे कि 2-3 साल होता है जो आपके हाथ में होते हैं, अगर आप विनर बनते हो तो 2-3 साल में उसका अच्छा इस्तेमाल करो, चाहे जो भी करना है जैसे शोज हो या जो भी हो, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा विनर आ जाता है 1 साल के बाद, राइट, 2 साल के बाद. अभी क्या है कि हर साल इतने सिंगर आ रहे हैं कि वो 2-3 साल, मुझे लगता है अभी 3-4 महीने हो गया है, और लाइफ स्पैन जो है एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट का या विनर का वो 3-4 महीने से ऊपर नहीं है. या तो फिर आप
एक ब्रांड अपना बना लो, म्यूजिक इंडस्ट्री में घुस जाओ और हिट गाने दे दो, तो फिर आपकी ना लाइफ बड़ी हो जाती है, योर लाइफ स्पैन बिकम्स बिगर, योर जैसे हर एक या दो या तीन साल में आपको एक गाना तो हिट देना ही होता है, तब जाके आप सस्टेन कर पाते हो इंडस्ट्री में। जैसे अभी दिस इज द 11th ईयर आई हैव ऑन इंडियन आइडल, बट आई एम ओनली सस्टेनिंग बिकॉज नॉट ओनली ऑफ इंडियन आइडल, इट्स बिकॉज आई हैव डन सम प्लेबैक सिंगिंग एंड थोड़े मेरे गाने हिट हैं, और वो प्लेबैक सिंगर का जब धब्बा आप पे लगता है तब जाके आपको थोड़ी लाइफ और लंबी लाइफ मिलती है। तो इट्स जरूरी नहीं है कि रियलिटी शो में जीते या हारे या जो भी है, पर उसके बाद की जर्नी बहुत मैटर करता है। एंड अभी जो उस टाइम पे 3 साल लाइफ स्पैन होता था, अभी वो 3 महीने हो गए मुझे लगता है। तो इट्स डिफिकल्ट नाउ, बट डेफिनेटली जो लोग हैं रेस में वो लोग उनके लिए अच्छा है, जैसे या इट्स गुड फॉर देम हु आर डूइंग गुड ऑलरेडी। All right, so, जैसे कि अभी हमने रियलिटी शो की बात की, तो फिर इंडियन आइडल के एक कंटेस्टेंट आपको पता ही होगा, राहुल वैद्य, जो इस वक्त बिग बॉस के घर में है एंड वो सीजन 1 में थे। सो आप भी इंडियन आइडल से थे, तो कभी आप उनसे मिले हो? इज ही योर फ्रेंड? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम, लाइक कैसे हैं वो? राहुल एंड आई आर नॉट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, बट वी आर फ्रेंड्स। हम एक ही प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं काफ़ी। 2010 से मैं एक्टिव हूँ और वो 2005 या 6 से एक्टिव हैं काफ़ी। मैं 2010 के बाद से बहुत अवार्ड फंक्शंस में मिले हैं, फ्लाइट्स हमने ली हैं साथ में, दादा के साथ हमने परफॉर्म किया है, प्रीतम दादा के साथ, एंड काफ़ी पार्टीज में मिले हैं। तो ऐसे हम दूसरे को जानते हैं एक दूसरे को, एंड बहुत ही ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड बहुत अच्छे कलाकार हैं, इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड yeah, he's very, his social contacts are very good, but he's got a lot of friends in the industry, outside the industry also. So I'm happy for him, और बहुत smart है क्योंकि जिस साल में कुछ काम चल ही नहीं रहा था उस साल में उन्होंने सही काम किया, बिग बॉस में घुस के बहुत सही काम किया उन्होंने, क्योंकि बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा था, ना शोज हो रहे थे, ना रिकॉर्डिंग्स हो रहे थे, ना कुछ हो रहा था। तो that's one good thing that it was a smart move for him, and I heard suna hai maine ki bahut acha khel rahe hain, and main chahta hu ki wo acha khele aur jeete, and yeah, all the very best to him. Exactly, ghar ke andar to unko Disha ke liye jo hai wo pyar pata chala, he came to know that you know he is mad and he has proposed Disha on national television. So agar main aapse puchu ki aapki life mein aisi koi hai you know, ya kabhi aap Bigg Boss mein aaoge, to aapka kya kehna hai? Have you ever met Disha and Rahul together? What do you have to say on that? I just know Rahul alag se. I just know him as a professional friend and kabhi kabhi parties mein maine bas singly mein, matlab wo jab akele mila hu main usse. Baaki doston ke saath Disha ko main kabhi mila nahi hu, but I'm very happy for her and for both, for him also, that he's finally decided who he wants to be with. You know, chunna apne is profession mein rehke kiske saath aap apni life share kar sakte, wo decide karna bahut mushkil hai mere liye, because main single hu. मेरी कोई अभी फिलहाल है नहीं, बट डेफिनेटली जब मेरी कोई मुझे ऐसा फील होगा किसी को देख के कि मैं इनके साथ मेरी जिंदगी गुजार सकता हूँ, सो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू एवर फॉर एनी गर्ल, कि आप एक नेशनल टेलीविजन पे आप ऐलान कर रहे हो, यू नो आई लव यू एंड दिस आई वांट टू हैव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, आई थिंक एनी गर्ल विल बी हैप्पी, बट डेफिनेटली आई राइट नाउ डोंट हैव एनीबडी, बट इफ आई हैव समवन देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शो हर टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मैं दिखाना चाहूंगा उनको। So what about reality show? अगर आपको Bigg Boss season offer होगा, so would you like to do? मुझे actually 5th या 6th season offer हुआ था, 3rd, 4th या 5th ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है। तो उस time पे मैं sure नहीं था इस चीज़ को लेके, और हमारी season time होता है ना उस time पे, तो काफ़ी shows वो lined up थे and prior commitments थे जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया, but अभी अगर पूछते हैं तो शायद मैं I'll give it a try, I don't know, I mean अगर अब आता है ऐसा मौका तो definitely I would like to try it out. Alright, and जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो apart from Bigg Boss और भी कई सारे reality show है, there is Nach Bariya, there is So Main Chhalak and all, तो क्या dance, ये सारे movie, ये सारे भी reality shows में आप हिस्सा लेना पसंद करोगे? मैं boast नहीं करना चाहूँगा, पर मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ एंड मुझे डांस बहुत पसंद है म्यूजिक के साथ साथ, एंड काफ़ी मैंने डांस वीडियोस भी डाले हुए हैं, पर कम करता हूँ, ज़्यादा इतनी रेगुलरली नहीं करता हूँ, पर कोई भी डांस रियलिटी शो हो या तो फिर खतरों के खिलाड़ी जैसे कोई शो हो, तो ऐसे सब शोज में मैं भी डेफिनेटली भाग लेना चाहूँगा, वेरी कूल एंड एंटरटेनिंग शोज जो आप सिंगिंग के अलावा करोगे, यू नो, एंड इट विल बी फन, इट विल फन। सो डू यू वॉच एनी रियलिटी शो और लाइक यू विल लाइक जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ शो? नो डांस शोज तो मैं देखता हूँ, डांस प्लस देखता हूँ, डी आई डी देखता हूँ,
आई वॉच कपिल शर्मा, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है एंड यार डांस बहुत पसंद है, तो आई डू ऑल दीज, आई वॉच ऑल दीज शोज एंड डेफिनेटली आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ देम. Alright, and इसके अलावा अगर मैं अब तक सिंगिंग आपके करियर में पूछूं कि सबसे डिफिकल्ट या सबसे टफ सॉन्ग या किसी का यू नो ऐसे किसी में यू नो बहुत ज्यादा वक्त लगा था, तो ऐसा कौन सा सॉन्ग था अब तक का आपका like, which really took a long time? ऐसे मुझे जब दूसरी भाषा में जब गाता था ना मैं, जैसे मराठी को मुझे गाने में थोड़ा टाइम लगा, तमिल गाने में थोड़ा टाइम लगा जो पहला गाना मैं गा रहा था, उसके बाद से फिर यूज्ड टू हो चुका था लैंग्वेज. बट मराठी एंड तमिल आर टू ऐसे लैंग्वेजेस जिसके एक वर्ड में आपको मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जैसे झा 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 ये सब जो होते हैं ना, तो ये थोड़े मुश्किल हुए थे मेरे लिए पहली बार. अपार्ट फ्रॉम दैट, या एक बार एक लैंग्वेज गा दिया तो वो पहली बार ही 5-6 घंटा लग जाता है एक गाना, पर वैसे मैं एक गाना डेढ़ दो घंटों में गा देता हूँ अगर लैंग्वेज मुझे पता है, पर अगर ऐसे कोई नई लैंग्वेज हो तो 4-5 साल हो जाते हैं एंड सॉरी 4-5 घंटे लग जाते हैं, पाँच छः घंटे लग जाते हैं, उसके बाद से फिर वो तीन घंटे में गा लेता हूँ मैं किसी लैंग्वेज अगर मुझे नहीं आती. इजी और अब तक का एकदम ऐसे क्विक सॉन्ग जो सबसे कम टाइम लिया था वो कौन सा गाना था या फिर बहुत फास्ट हुआ था? मेरा सभी मेरे जो सभी गाने हैं मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं, वो इतना तो एवरेज टाइम में रखता हूँ कि गाए गाए में नहीं गाना चाहिए, पहले मैं गाना सुन लेता हूँ अच्छे से और फिर जब माइक पे जाता हूँ तो क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं गाने के, सॉफ्ट गा सकते हो आप, थोड़ा लाउड गा सकते हो, फिर उसको लाउड भी गा सकते हो, तो मैं ऐसे अलग अलग टेक देता हूँ गानों के, ना कि ऐसे एक ही टाइम पे पूरा एक ही लेवल का गा दिया, पता नहीं होता ना कि कौन सा कब किसको अच्छा लग जाए, तो मैं ऐसे 3-3 इंटरप्रिटेशन देता हूँ एक एक लाइन, तो उसके लिए मेरे को 1.5-2 घंटा तो लगता ही है और इतना टाइम तो लगना भी चाहिए मेरे हिसाब से. Alright, and इसके अलावा अभी पाइपलाइन में और क्या-क्या है? What like what next you have? What do you have to say? Nothing as of now. तो गाने तो काफी गाए हैं मैंने, थोड़ी बड़ी फिल्मों में भी गा चुका हूँ, पर अभी उसका पता नहीं हमको कि वो रिलीज कब होंगे और जब रिलीज होंगे तो फाइनली किसकी आवाज होगी, वो सब तो अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हर गाना एक अपने में एक वॉर होता है, क्योंकि एक गाना एक ही बंदा नहीं गाता, ऑलमोस्ट 4-5 लोग मिनिमम तो गाते ही एक गाने को, कहीं किसी के रिकमेंडेशन होते हैं या तो किसी हीरो के रिकमेंडेशन होते हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस से रिकमेंडेशन होता है, डायरेक्टर का होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का होता है, तो सबसे ऐसे जीत के बाहर जो गाना निकलता है, वैसे ही बलमा ऐसा गाना था जो जीत के निकला था बाहर, सुभान अल्लाह ऐसा गाना था जो 25 लोगों में से एक गाना मेरी आवाज सेलेक्ट किया गया था और फिर वो रिलीज हुआ था गाना, तो ऐसे है मतलब अभी कंपटीशन इतना है तो बेस्ट तो ढूंढते ही है सब. तो मैं डू यू बिलीव कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था पिछले साल का. देखो क्या है ना कि आप जितना भी नेपोटिज्म की बात करो, जब आप लाइव ऑडियंस के सामने या तो किसी के सामने अगर आप लाइव गा रहे हो, सब समझ आ जाता है कि आप सपोर्टेड हो, आप जेन्युइनली अच्छे सिंगर हो, कि क्या है ना कि ओनली स्टूडियो में काम नहीं होता है, सिंगर का काम मेनली 2 जगहों पे होता है, एक स्टूडियो में होता है, एक स्टेज पे होता है. स्टेज पे वो होता है जो लोग आपको डायरेक्टली लाइव सुन रहे हैं, आप जितनी भी सपोर्टेड हो, जितनी भी आप अच्छे सिंगर हो, जितना अच्छे सिंगर नहीं हो, उनको समझ आ जाता है कि आप लाइव गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो, क्योंकि यही तो है कि आप स्टूडियो में भी गाओ, स्टेज पे भी गाओ और फिर ऐसे 10-20-30 साल जितने साल आप टिक पाते हो उसी के ऊपर टिक पाते हो. मुझे लगता है कि नेपोटिज्म म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम शायद टिक नहीं पाता, क्योंकि फिर आपकी रियल टैलेंट तो दिखा नहीं होता है, तो आप अगर सच्ची में टैलेंटेड हो तो लोग आपको पसंद करेंगे. Right, all right. And जाने से पहले क्या कुछ आप फैंस के लिए कहना चाहोगे? What message you would like to give? And when can we hear your next tattoo? When can we hear you for the next time? Like new song or something? हर हफ्ते मैं आपके लाइव पे आऊँ, आपके वीडियो पे आऊँ, but मेरे हाथ में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे गाना कोई और बनाता है, गाता कोई और है, लिखता कोई और है, रिलीज करता है, वो पिक्चराइज किसी और पे हुआ जाता है. तो बहुत चीजें मायने रखती हैं, पर आई एम ग्लैड कि
2021 में ये शुरू हो गया है कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम बात कर रहे हैं इस चीज़ का। उम्मीद यही करूँगा कि बहुत जल्दी आपके सामने मैं और गाने लेके आऊँ। एंड मेरे सारे फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि पिछले 10-11 साल से आपने बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरे गानों को, मेरे म्यूजिक को, और मुझे प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहना। एंड डू गो एंड लिसन टू ये मुस्काना आँखों का फ्रॉम विजय द मास्टर, जो मेरा नया गाना रिलीज हुआ है। इट्स ऑन यूट्यूब एंड ऑल द अदर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स, इट्स इन हिंदी। तो डू लिसन टू इट एंड बहुत प्यार देना, उसको शेयर करना, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर पे मेरे को DM करना कि आपको कैसा लगा गाना। एंड लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू। Same here, thank you, and thank you so much for giving us time. All the best for 2021 and all for your upcoming projects. Thank you, Shriram. Thank you, Monica. Thank you. Take care.